Hi friends, welcome to Novation. I'm Shantanu and I'm back with a very important review session of the most important current affairs of 2018. इसमें हम लोग almost 300 questions cover करने वाले हैं in around 4 parts. और इस ये बहुत important है आने वाले exams SAT, TISS के लिए और कई bank exams के लिए भी. तो guys, इसको हम questions form में करेंगे because question forms में करने से इससे हमारा retention बढ़ेगा. Okay guys, so let's begin our discussion with the first question. Who is the new Prime Minister of Spain? Where is Pedro Sanchez? ये 2018 में Prime Minister choose किए गए हैं Spain में. So the answer is Pedro Sanchez. Moving to the next question. Recently, who has been sworn in as Italy's new Prime Minister? So Giuseppe Conte. इनको भी 2018 में elect किया गया है. काफ़ी important है guys ये name, याद रखिएगा. Abdel Fattah al-Sisi was born and is the president of. So इसका answer है guys Egypt. ये भी 2018 में elect हुए हैं इसलिए काफ़ी important है, कई बार इनको भी पूछा जा सकता है. Okay, next question. The world's first mini satellite to venture into deep space designated to monitor inside star Mars lander have successfully oriented themselves toward the red planet. तो गाइज ये पूछा गया है किस कौन सी स्पेस एजेंसी ने इसको लॉन्च किया है. तो इसका आंसर है गाइज नासा, जो कि यूएसए की स्पेस एजेंसी है. सो करेक्ट आंसर इज ए नासा. लेट्स मूव. द थीम फॉर दिस ईयर्स एनवायरमेंटल डे इज. इस साल के एनवायरमेंटल डे का क्या थीम था? इसका थीम था गाइज बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन और ये इंडिया में ही ऑर्गेनाइज किया गया था इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन है. ओके, वॉट इज़ द नेशनल डेडलाइन टू अचीव ओपन डेफिकेशन ODF स्टेटस इन इंडिया? तो गाइज इसके लिए उन्होंने तय किया है डेट 2 अक्टूबर 2019. बस 2019 आपको याद रखना है इसके लिए अपन ने जो टारगेट रखा है. ओके, लेट्स मूव. आर्टिकल 35A अलाउज डैश लेजिस्लेचर टू डिक्लेयर द परमानेंट रेसिडेंट्स ऑफ स्टेट, प्रोहिबिट्स अ नॉन स्टेट रेसिडेंट फ्रॉम बाइंग प्रॉपर्टी इन स्टेट एंड इंश्योर्स रिजर्वेशन इन एम्प्लॉयमेंट फॉर रेसिडेंट्स. तो गाइस 35A, आर्टिकल 35A बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, आप लोग को सबको पता होगा मोस्ट प्रोबेबली. इसका आंसर है जम्मू एंड कश्मीर. सी, जम्मू एंड कश्मीर इज द आंसर. लेट्स मूव. वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन. गाइस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? इसका आंसर है जून फिफ्थ को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे. वॉट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन 2018 ग्लोबल पीस इंडेक्स? तो गाइस इंडिया को रैंक दिया गया है 136. इसके ऊपर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया गाइज, वो आप लिंक में जाके इसको एक बार देख सकते हैं. उसमें कई ग्लोबल इंडेक्सेस में इंडिया की रैंक आपको पता चलेगी. ओके, वर्ल्ड बैंक हैज़ फोरकास्ट अ ग्रोथ रेट ऑफ % फॉर इंडिया दिस ईयर एंड 7.5% फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स. वाइज वर्ल्ड बैंक ने जो हमारे लिए फोरकास्ट किया है इंडिया के लिए वो है 7.3% ग्रोथ. तो याद रखिएगा, कई बार पूछा जा सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच बॉलीवुड एक्टर वॉज गिवन द लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर एट द अपकमिंग इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी आईफा अवार्ड्स? तो गाइज इसमें अवार्ड दिया गया है अनुपम खेर को. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. हु अमंग द फॉलोइंग इज नेम्ड एज द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर फॉर द अपकमिंग फीफा वर्ल्ड कप? गाइज फीफा फैंस सबको पता होगा हैरी केन जो इंग्लैंड के बहुत अच्छे खिलाड़ी है उनको ये अवार्ड दिया गया है. इन्होंने सबसे ज़्यादा गोल्स मारे हैं इस बार के 2018 वर्ल्ड कप में जो कि रशिया में हुआ था. लेट्स मूव. आयुष्मान भारत इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ केयर प्रोग्राम विच एम्स टू प्रोवाइड अ कवर ऑफ रुपीज हाउ मैनी लैक्स? वी ऑल नो इट इज़ 5 लैक्स. लेट्स मूव. द 44th G7 समिट वॉज हेल्ड इन. गाइज ये पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट जियो पॉलिटिक्स का क्वेश्चन है. तो इस बार जो 44th G7 समिट हुआ है वो हुआ है क्यूबेक में. क्यूबेक कहाँ है? इट इज़ इन कैनेडा. और जो आने वाला 45th G7 समिट है वो होगा फ्रांस में. तो गाइस समिट ये जो कंप्यूटर है इट इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल एंड स्मार्टेस्ट साइंटिफिक सुपर कंप्यूटर. ये यूएसए ने लॉन्च किया है जून 2018 में. तो राइट आंसर इज सी यूएसए. हु हैज़ वॉन द फर्स्ट ग्रैंड स्लैम टाइटल इन फ्रेंच ओपन 2018 फाइनल? तो गाइस 2018 फाइनल फ्रेंच ओपन में विमेन जो हैं वो जीती हैं
वो जीती है सिमोना हैलेप। और ये कौन से देश से बिलोंग करती हैं? तो ये रोमानिया की खिलाड़ी हैं। ओके लेट्स मूव। रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग टेन प्लेयर एज 11th ओपन टाइटल, फ्रेंच ओपन टाइटल किसको मिला है? ये राफेल नडाल को मिला है। ये कौन से देश के खिलाड़ी हैं? ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। ओके रिसेंट एक्सरसाइज सूर्य किरण 13, अ जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड नेपाल वॉज कल्मिनेटेड एट, कहाँ पे हुई है गाइस? ये हुई है पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। और एक और इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज जो उत्तराखंड में हुई है वो इंडिया और यूएसए के बीच में हुई है, उसका नाम है युद्ध अभ्यास, याद रखिएगा दोस्तों, युद्ध अभ्यास। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल इनॉग्रेट 106th इंडियन साइंस कांग्रेस टू बी हेल्ड एट, ये यहाँ पर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो कि पंजाब में एक यूनिवर्सिटी है वहाँ पर ही इंडियन साइंस कांग्रेस को इनॉग्रेशन करेंगे मोदी जी। Who among the following is the first Latin American global partner at NATO? तो ये नेटो में अभी जो रिसेंटली जुड़ा है वो देश है कोलंबिया, और ये नॉर्थ अमेरिका का पहला सॉरी लैटिन अमेरिका का पहला देश है। Who of the following was the first Indian company to cross 8 trillion market capitalization? तो गाइज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज ने सबसे पहले क्रॉस किया था 8 trillion मार्केट। भले अभी TCS मार्केट कैपिटलाइजेशन में सबसे आगे हो, बट रिलायंस जो कंपनी है उसने सबसे पहले क्रॉस किया था 8 trillion मार्केट कैपिटलाइजेशन TCS से पहले। बट अगर अभी रिसेंटली पूछा जाए तो TCS इज़ द बिगेस्ट कंपनी इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो भारती एक्सा ने किसके साथ कोलैबोरेट किया है गाइस? देखिए ऐसा क्वेश्चन में अपन बहुत इजीली एलिमिनेट भी कर सकते हैं ऑप्शन। TCS को क्यों एलिमिनेट कर रहा हूँ मैं? क्योंकि TCS का कोई भी पेमेंट बैंक नहीं है, ये IT सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सिमिलरली SBI को भी नहीं करूँगा क्योंकि SBI जो है बैंक है, इसने अभी तक अपना पेमेंट के लिए पेमेंट बैंक नहीं निकाला है। और एयरटेल और BSNL के बीच में आपको पता होना चाहिए कि एयरटेल ही अभी सबसे पहले पेमेंट बैंक निकाला है, और इसीलिए हमारा आंसर होगा एयरटेल। भारतीय एक्सा ने एयरटेल के साथ में कोलैबोरेट किया है। ओके लेट्स मूव। विच कंट्री विल होस्ट द फर्स्ट बिम्स्टेक मिलिट्री एक्सरसाइज दैट विल फोकस ऑन काउंटर टेररिज्म इन सितंबर 2018? तो गाइज इसका आंसर है सी, इंडिया। इंडिया में ही वो मिलिट्री एक्सरसाइज होने वाली है बिम्स्टेक की। लेट्स मूव। इन विच स्टेट इज मोहनपुरा डैम प्रोजेक्ट लोकेटेड? ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है गाइज, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री जो है हमारे देश के श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है और ये मध्य प्रदेश में लॉन्च हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द 193rd मेंबर ऑफ OPCW? तो गाइस रीसेंट मेंबर जो बना है, लास्ट मेंबर, वो है पैलेस्टीन। और OPCW जो संस्था है वो प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, यानी कि जो भी केमिकल वेपन्स हैं उनको प्रोहिबिट करने के लिए, उनको बंद करने के लिए काम करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, याद रखिएगा, पैलेस्टीन आखिरी मेंबर बना है। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च्ड बॉन्ड डाई विच इज फुली मैनेज्ड यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश? गाइज ये लॉन्च किया है वर्ल्ड बैंक ने अपना खुद का एक ब्लॉकचेन से चलने वाला जो बॉन्ड लॉन्च किया है, उसका नाम उन्होंने रखा है बॉन्डी। और ये एक ऑस्ट्रेलिया के बीच भी है, उसके नाम पर रखा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज फ्रॉम जियो पॉलिटिक्स। लेट्स मूव फॉरवर्ड। Which is the 7th largest country in the world by area? इस एरिया के अनुसार देश का सबसे दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? 7वें नंबर पे वो है भारत, हमारा प्यारा भारत। और 6ठे नंबर पर आता है ब्राज़ील। और अगर नंबर वन पूछा जाए तो नंबर वन है रशिया। That dash a moon of Saturn holds life. तो किस मून में ये कहा जा रहा है कि हमें जीवन मिल सकता है? वो है इनसेडलस। Okay, let's move.
According to the latest Bloomberg report, which country is the second largest stock market in the world? Very important question, guys. Finance के लिए बहुत important question है. जापान का जो जापान स्टॉक एक्सचेंज है उसने चाइना के जो शंघाई स्टॉक एक्सचेंज है उसको पीछे कर दिया है और अब दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट बन चुका है. और अगर पूछा जाएगा कि फर्स्ट मतलब लार्जेस्ट कौन सा है तो वो है NYSE न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ऑफ अमेरिका. द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी हैज़ इंस्क्राइब द लेक टुर्काना नेशनल पार्क ऑन यूनेस्को लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर. इन विच कंट्री इज दिस साइट लोकेटेड? वाई इज दिस साइट इज लोकेटेड इन कीनिया. इसको वर्ल्ड हेरिटेज ने बोला है दिस इज अ वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज़ द वर्ल्ड फर्स्ट इंटरनेशनल सेंटर फॉर ह्यूमैनिटेरियन फॉरेंसिक्स इनॉग्रेटेड? गाइस, जो फर्स्ट सेंटर ऑफ ह्यूमैनिटेरियन फॉरेंसिक्स है वो इंडिया में यानी कि गुजरात में लॉन्च किया गया है. ये दुनिया का पहला अपना जो सेंटर है ह्यूमैनिटेरियन फॉरेंसिक्स के लिए. ओके, अपडेटेड वर्ल्ड बैंक फिगर्स फॉर 2017 shows that dash in now the world's sixth biggest economy having muscled past dash to next position. So guys, पहले हम इतना portion solve करेंगे. उसमें पूछ रहा है वो figure for 2007 shows that कौन सा देश है पहले number पे भारत is now the world's sixth biggest economy. So हमारा देश जो है sixth biggest economy पे आ गया है और किसको हमने पछाड़ा है? Guys, अब हम यहाँ से answer search करेंगे. हमने पीछे कर दिया है फ्रांस को. इस तो हमारा आंसर यहीं से हमको पता चल रहा है. ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. इंडियाज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP स्टूड एट 2.597 ट्रिलियन एंड ब्रिटेन रिमेन द वर्ल्ड फिफ्थ इकोनॉमी विद GDP ऑफ 2.62 ट्रिलियन. राइट, इंडिया फ्रांस, हमें शुरू में ही आंसर पता चल गया. इंडिया ने फ्रांस को पीछे कर दिया है और अब दुनिया की छठी सबसे बड़ी इकोनॉमी है एज पर GDP. और ब्रिटेन जो है फिफ्थ पोजीशन पे है. और अगर नंबर वन पूछा जाए तो आप सबको पता ही होगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. विच इज़ द होस्ट कंट्री फॉर एशियन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन? तो गाइस, ये कॉन्फ्रेंस हुई थी मंगोलिया में, मंगोलिया के कैपिटल में, उलान बटोर में. रिसेंटली द 22nd एडिशन ऑफ मलाबार ट्राइनेटर लेवल एक्सरसाइज फॉर द US, जापान एंड इंडिया किक्ड ऑफ एट. कहाँ पर स्टार्ट हुआ है ये? गुआम में. United Nations had declared dash as the United Nations International Day of Yoga in 2014. Guys, it is a very important question. International Day of Yoga 21st June ko celebrate kiya jata hai. Which among the following countries has surpassed India to become the top destination for greenfield FDI investment in 2017? Guys, hum log ko USA ne piche kar diya hai. USA ab first position pe aa gaya hai for greenfield FDI investment. Service joint Russia India military exercise will take place in Indian military base in the second half of the year. Guys, kaun si hai Russia aur
मेड इन इंडिया ह्यूमन रोबोट बोला गया है? सो गाइस इसका आंसर है मित्र। ये अवार्ड मिलने वाला है कल की कोचलिन को, ये भी फ्रेंच ओरिजिन से आती हैं और इन्हें ये अवार्ड दिया जा रहा है। इन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है इंडो फ्रेंच टाइज को बढ़ावा देने के लिए। हु हैज़ बीन अवार्डेड द बेस्ट फीमेल एक्टर फॉर मॉम? गाइस ये तो आप सबको पता ही होगा, श्रीदेवी को ये अवार्ड मिला है जो कि अभी हाल ही में जो एक्सपायर हुई है। हु हैज़ बीन डिक्लेयर्ड विक्ट्री इन टर्कीज की प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन जून 2018? गाइस तैयब अर्डोगन जो है इनको